हाय गाइस, हमारे पिछले वीडियो पर काफी कमेंट आए थे सर। कंडम और ई ऑक्शन का वीडियो बनाइएगा तो हमें जानकारी हो सकेगी, और ई ऑक्शन कैसे लगा सकते हैं और कंडम कैसे कर सकते हैं किसी भी आइटम को या व्हीकल को। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए व्हीकल या कोई आइटम को कंडम कैसे लगाएं, कैसे ऑनलाइन कंडम लगाएं, क्योंकि अभी तो कागजों में चल रहा है लेकिन कागजों में नहीं, ऑनलाइन होना है। तो ऑनलाइन कैसे कंडम लगाएंगे, तो हमें सबसे पहले इसको सेलो एप्लीकेशन पे जाएंगे। ये इंटरफेस आपके सामने जैसे बताया गया, इंटरफेस आपके सामने ऐसे दिखता है। सेलो एप्लीकेशन, सेलो नेट एप्लीकेशन, सेलो मेल, एसक्यूएल रिपोर्ट, एचएमएस, हॉस्पिटल, अपार, आईपीआर, एनआईसी, सेलो एडी ऑफिस, रीसेट सेलो ऐप, पासवर्ड रीसेट, सेलो एफटीपी, एफटीपी डब्ल्यूआर, डीएमएस, क्रोम, क्रोमी, एनआईसी ऑफिस, सेलो डीएमएस, सीआरपीएफ ई लर्निंग, ओएफआरएस फॉर्म्स, सीआरपीएफ पीपीएमएस, संतोष ऐप, घुस सकती है। ऐसे इतने ऐप अपने सामने ओपन हो जाता है, इतना हमें जरूरत नहीं, हमें आज सेलो एप्लीकेशन की जरूरत है जहाँ हम कंडमनेशन की प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो सेलो एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ये सेलो एप्लीकेशन पे हमने क्लिक किया, सेलो एप्लीकेशन पे क्लिक करते अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, ये वाला। तो यहाँ हमने लॉगिन आईडी का आईटी विंग से लेनी पड़ती है, और ये केएमसी के नाम से होती है। तो केएमसी का होगा तो केएमसी, यहाँ लॉगिन, यहाँ पासवर्ड डाल, लॉगिन करेगा अपना फोन नंबर, या किसी ऑफिसर के नाम से आईडी बनी होगी तो ऑफिसर का एरला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर एरला नंबर या फोन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। तो आपको याद है तो यहाँ फोन नंबर, एरला नंबर डाला, पासवर्ड डाल देंगे और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करोगे आपके सामने नेक्स्ट ये ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, ये इंटरफेस ओपन होगा। तो इसमें आपके सामने रहेगा ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या क्या अचीव किए हैं, डीएसएस, इसमें आएगा डीएसएस रिपोर्ट्स ट्रांजैक्शन, इसके बाद पर्सनल, फिर इसमें डीएसएस रिपोर्ट्स ट्रांजैक्शन, फिर फाइनेंस, डीएसएस रिपोर्ट ट्रांजैक्शन, फिर इन्वेंट्री, डीएसएस रिपोर्ट्स ट्रांजैक्शन मास्टर, फिर बिजनेस, डीएसएस, डीएसएस रिपोर्ट ट्रांजेक्शन्स। तो हमें क्या करना है, कंडमनेशन का प्रोसेस करना है, तो हम जाएंगे इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन, इन्वेंटरी और ट्रांजेक्शन, इन्वेंटरी ये ट्रांजेक्शन को हमने क्लिक किया, ये ट्रांजेक्शन। और ये जैसे ट्रांजेक्शन को क्लिक किया अपने सामने नया इंटरफेस ओपन होगा, ये वाला, डीएसएस वाउचर रिपोर्ट अप्रूवल और डैशबोर्ड, ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो हमें करना प्लस वाले पे क्लिक, प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो बाहर सेलेक्ट करेंगे, तो अपने सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखो इतने ऑप्शन इसमें, हमें ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन करते अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। फिर इसमें ऐड न्यू रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड क्लिक करिएगा, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे, उसके बाद ये अपने सामने ये वाला इंटरफेस रहेगा, यूनिट कोड आएगा, इन्वेंट्री आएगा, डॉक्यूमेंट आएगा। ये तो हमें इन्वेंट्री में जाएंगे, इन्वेंट्री में ये सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इसके नीचे काफी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आर्मर ड्रिल्स, क्या हमें कंडम करना है इनमें से, जैसे आर्मर टूल कंडम करना है, आर्मर एम्युनेशन एंड एक्सप्लोजिव कंडम करना है, आर्म्स स्पेयर्स करना है, बार्बर टूल करना है, बैरेक फर्नीचर करना है, बटालियन वेलफेयर आइटम्स, फंड कैंटीन, डेयरी स्टॉक, कारपेंटर टूल्स, क्लॉथ यूनिफॉर्म एंड केआईटीज, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, साइकिल स्पेयर, साइकिल्स इक्विपमेंट, मशीन्स,
एक्सपेंसिव जॉब रिपेयर्स, इवेंट, फूड, डाइट एंड अदर मिसनेस आइटम्स, फॉर्म्स, ग्रांट इन एड आइटम्स, हॉस्पिटल्स, एम्प्टी फ्लीट, मैप्स, एम्प्टी स्पेयर्स, माइनर वर्क्स, स्पेयर आइटम्स, मोची टूल्स, नॉन एक्सपेंडेबल स्टोर्स, नॉर्मल वेलफेयर ग्रांट आइटम्स, ऑफिस एक्सपेंड मिसलेनियस आइटम्स, ऑफिस मशीनरी आइटम्स, पेट्रोल लुब्रिकेंट, ऑयल लुब्रिकेंट, सेलो इन्वेंट्री, ये आइटम इसमें दिखाएगा आप कौन सा आइटम, मतलब कौन से हेड में आपको कंडम करना है। ये अब हम करेंगे, देखो एम्प्टी फ्लीट यानी कोई व्हीकल हमें कंडम करना है उसका सब, तो इसको क्या करेंगे एम्प्टी फ्लीट में कोई व्हीकल करने के लिए क्या करेंगे, एम्प्टी फ्लीट में क्लिक करेंगे। एम्प्टी फ्लीट में क्लिक करने के बाद अपने सामने एम्प्टी फ्लीट वाला ऊपर ऑप्शन आ गया। अब नीचे वाले ऑप्शन में बाहर एक बार क्लिक करना पड़ेगा, वो राउंड करके नीचे वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। नीचे वाले सेलेक्ट करेंगे तो ये कंडम एंड वेयर ऑफ राइट आउट राइट ऑफ दिखा रहा है, इशू ऑप्शन दिखा रहा है, एलसीआर, एलपीसी, एसटीडी, एमटीएफ, अदर, रिसीव एंड वाउचर, स्टॉक क्यूरी। तो हमें क्या करना है, इसको कंडम एंड राइट ऑफ करना है। तो यहाँ कंडम वाले क्लिक बटन भी क्लिक करेंगे, कंडम एंड राइट ऑफ जैसे ये क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखो ये ग्राम एम्प्टी फ्लीट हो गया, कंडमनेशन और कंडम राइट ऑफ। तो एक बार बाहर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट दिखेगा नहीं, बाहर जैसे क्लिक करोगे तो अपने सामने नया इंटरफेस ओपन होगा ये वाला, ये कंडमनेशन राइट ऑफ। तो अपने सामने बाहर क्लिक करने पर मतलब माउस का जो कर्सर है एक बार बाहर की तरफ क्लिक करना पड़ता है तभी ये नीचे के ऑप्शन खुलते हैं, नहीं तो नहीं खुलते, कहीं सबमिट का ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो एक बार बाहर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करने के बाद और वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा ताकि कोई चीज छूटे ना, क्योंकि अगर बीच में कोई चीज स्किप कर दोगे तो कोई चीज छूट जाएगी, पता नहीं चलेगा हमें क्या भरना चाहिए था इधर। तो ओके बने रहेगा इस मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू। तो हम ये नीचे जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ये एक नंबर पे ऑप्शन प्रिपरेशन, फिर ऑप्शन कैंसिलेशन, फिर 3 नंबर पे कंडमनेशन व्हीकल, फिर 4 डेडिकेशन मेमो, फिर प्राइस असेसमेंट फॉर ये ऑप्शन, फिर 6 नंबर सोल्ड वाउचर, 7 नंबर राइट ऑफ वाउचर। ये आपके सामने इतने ऑप्शन खुल रहे हैं तो हमने कंडम लगाना है। कंडम लगाने के लिए नेक्स्ट क्या करेंगे, सॉरी गाइस बीच में कॉल आ गई। तो कंडमनेशन वाउचर, कंडमनेशन वाउचर पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एक सेकंड गाइस, तो हम ये कंडमनेशन वाउचर की क्लिक करेंगे। कंडमनेशन वाउचर पे क्लिक करने के बाद ये अपने सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा ये वाला, कंडमनेशन वाउचर हेल्प, ये देखो इधर लिखा हुआ आएगा कंडमनेशन वाउचर हेल्प। ये इंटरफेस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ऐड ए रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर ये स्टार वाले में क्या कर सकते हैं देखो, ये बत दिखा देता हूँ आपको क्या क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस स्टार का क्या ऑप्शन है। 1 सेकेंड गाइड्स, 1 सेकेंड, ये देखो ये नहीं है, ये देखो ऐड रिकॉर्ड, प्लस का मतलब क्या होता है ऐड ए रिकॉर्ड, फिर स्टार का क्या मतलब है, स्टार में कर सकते हैं एडिट ए रिकॉर्ड, एडिट ए रिकॉर्ड, और नेक्स्ट फिर क्या है माइनस, माइनस में क्या है डिलीट ए रिकॉर्ड, मतलब कोई रिकॉर्ड चट गया हमसे और वो उसको डिलीट करना है, वहाँ से हटाना है, तो ये डिलीट का ऑप्शन है। फिर ये व्यू ए रिकॉर्ड, व्यू देख सकते हैं अपने पास चढ़ा कि नहीं चढ़ा, एडिट हुआ कि नहीं हुआ, फिर ये माइनस हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जो आइटम हम डिलीट करना चाह रहे हो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, फिर व्यू ए रिकॉर्ड में ये पूरी डिटेल आती है। तो हमें करना है व्हीकल को कंडम, तो यहाँ जैसे हम व्हीकल को कंडम करने के लिए क्लिक करेंगे तो अपने पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसमें ऐड
ए रिकॉर्ड प्लस, प्लस को जैसे क्लिक करेंगे अपने सामने ये नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये ऐसे वाला देखो। अब इसमें क्या करना है, सीवी नंबर आएगा, फाइनेंसियर आ जाएगा, यूनिट कोड आएगा, इन्वेंट्री कोड आएगा, पर्सनल प्रेजिडिंग ऑफिसर आएगा, मेंबर 1, 2, कोप्टेड मेंबर, सर्टिफिकेट 1, 2, 3, स्टेटस लेटस नोट्स नंबर, अप्रूव अप्रूव्ड बाय, अप्रूव डिटेल्स, रिकमेंडेड बोर्ड, सीवी डेट कब इसको कंडम कर रहे हैं, वेयर हाउस यहाँ कौन से हेड का है, डेड स्टॉक इधर काफ़ी, इसको क्लिक करने पे काफ़ी हफ्ते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ क्या क्या आता है इसमें वेयर हाउस वाले ऑप्शन पे, एक सेकेंड गाइस एक सेकेंड, क्योंकि पूरा डिटेल में बताना ज़रूरी है, बाद में पता नहीं रहेगा तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये देखो अब यहाँ क्लिक करने पे देखो क्या क्या है, वेयर हाउस पे क्लिक करने के बाद बटालियन वेयर हाउस, ये क्या क्या आता है कि हमें वो आइटम कहाँ से मिला है और जिसे कंडम हम कर रहे हैं मिला हमें और कहीं से है, जैसे डाइटेड रिजर्व स्टॉक रहता है, मैन वेयर हाउस रहता है, रिजेक्टेड रहता है, रिज्यूम रहता है, सेक्टर रिजर्व रहता है, अनसर्विसेबल रहता है, जोन रिजर्व स्टॉक रहता है, ये अपने पास रहते हैं। तो हमें जो आइटम कंडम करना हो उसे हमें करना पड़ेगा मैन वेयर हाउस पे, यहाँ आपके पास जोन से मिला हुआ आइटम है उसको तो जोन रिजर्व में जाके करेंगे, अनसर्विसेबल है वो अनसर्विसेबल करेंगे, सेक्टर रिजर्व है सेक्टर रिजर्व करेंगे, रिज्यूम है रिजेक्टेड आइटम है, और ये इतने आपके सामने दिख रहे हैं इंटरफेस। तो हम अपनी यूनिट का आइटम लगा रहे हैं तो हमें मेन वेयर हाउस कर देंगे अपना इधर ही है, तो मेन वेयर हाउस पे करने के बाद ये अब मेन वेयर हाउस कर देंगे, मैं वेयर रह गया मेरे से डायरेक्टर रिजर्व ही रह गया स्टॉक, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और क्या आइटम कर रहे हैं, मोची टूल्स कर रहे हैं मान लो, तो मोची टूल्स किस में आएंगे, इक्विपमेंट एंड मशीनरी, यहाँ कोई प्रिंटर कर रहे हैं, कोई कार्ट्रिज कर रहे हैं कार्ट्रिज, तो और ऐसे आइटम जो मशीनरी इक्विपमेंट में आते होंगे उनको हम करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, पहले हमें पीओ बनाना पड़ता है, पीओ डॉक्यूमेंट्स में कागज़ों में हमने करवा लिया उसका पीओ, पीओ का यहाँ लुकअप करेंगे, लुकअप करने के बाद उसका फोर इधर एरला नंबर डालना पड़ेगा पीओ का, यहाँ मेंबर 1 मेंबर 2 और कोऑपरेटिव मेंबर कौन थे, ये यहाँ पे हम डालेंगे डिटेल कौन कौन कोऑपरेटिव मेंबर थे, वहाँ जैसे देखो लुकअप किया था ये, वहाँ लुकअप किया ये लुकअप जैसे क्लिक करोगे तो ये इधर मांगेगा फर्स्ट नंबर नेम रैंक जियोज, ये आएगा इधर इस पे जैसे भरोगे तो ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर फीड हो जाएगा पीओ में, ये देखो जो भी पीओ होगा उसका डिटेल यहाँ भर देंगे, उसका नाम आ जाएगा, फिर हमें देखना है क्या आइटम था, क्या आइटम हमें कंडम लगाना है। तो हमें आइटम देखना है पहले इसका, ये देखो यहाँ पीओ की डिटेल आएगी, पीओ की डिटेल जैसे भरेंगे लुकअप किया, लुकअप करने बाद ये पीओ की डिटेल इधर आ गई, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अपने सामने ये इंटरफेस, यहाँ पर इसका नाम नंबर आ जाएगा पीओ का, मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ अब ये इधर इसमें दिख नहीं रहा था, ये देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा, और इधर कॉर्नर में न्यू ऑप्शन आता है न्यू, ये पीओ की डिटेल भरने के बाद ये न्यू ऑप्शन आएगा नीचे कॉर्नर में राइट साइड में, जी न्यू, इस न्यू पे हमें क्लिक करना है, जैसे न्यू पे क्लिक करोगे, न्यू पे जैसे क्लिक करोगे देखो
जैसे न्यू पे क्लिक करोगे और सबमिट करोगे, सबमिट करने पे ये पूरा आइटम आपको दिखाई देगा, कौन सा आइटम आपको कंडम लगाना है, ये पूरा आइटम दिखाएगा आपको। क्लोथ टेंटेज का है तो ये पूरा क्लोथ टेंटेज का, मशीनरी इक्विपमेंट का, मशीनरी एमटी का है तो एमटी का स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो भी है। ये यूनिट कोड है वेयर हाउस, ये आइटम कोड है। आइटम कोड की ज़रूरत पड़ती है, आप लिख के रख सकते हैं, क्योंकि जो ई ऑप्शन लगता है ना कंडम में तो ले लेता है ये सब कुछ, जब ई ऑप्शन लगता है उसमें आइटम्स का नंबर डालना ही पड़ता है, वैसे लेता नहीं। तो इसमें क्लॉथ बीडी, क्लॉथ पगड़ी खाकी, आपके पास क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ भरनी है, यहाँ दिखेगा आपको कितनी क्वांटिटी आपके स्टॉक में है। क्लॉथ पगड़ी, इसका आइटम कोड वूलन, थर्मोकोट, अंडर पैंट, नेट कॉम्बो, ये पूरा आपको दिखा देगा और आपके स्टॉक में कितने हैं, अब हमें कितने कंडम करने हैं, कौन सा आइटम कंडम करना है उसको यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक यहाँ, जैसे हमें यह आइटम लगाना, मान लो नंबर ये वाला में एन हाउस क्लॉथ कोट कम्बैट डिसरप्टिव पैटर्न डिटेचेबल एल, ये यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, कितने आपको कंडम करने हैं ये यहाँ सेलेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये देखो, मान लो अपने पास ये आइटम है 301 नंबर, क्या है, बेल्ट वेस्ट सिंथेटिक ब्लैक 301, टी शर्ट डिसरप्टिव पैटर्न ये 146। तो जैसे इनकी लाइफ ओवर हो गई है या फिर कुछ हो गए, ये कंडम के लायक हो गए तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे 301 के सामने, अपने स्टॉक का 301 और एक 146, इसके सामने जो राउंड बॉक्स बना हुआ, सर्कल बना हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो नीचे जाएंगे कर्सर में, जैसे 1788 है, क्या है, एंटी मॉस्किटो वेल 1778, तो यहाँ भी क्लिक करेंगे। एक साथ करना चाहते हैं एक साथ कर सकते हैं, और अलग अलग करना चाहें तो अलग, फिर यहाँ क्लिक करके फिर यहाँ आ जाएंगे सेलेक्ट, ये लास्ट में नीचे की तरफ कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर रिटर्न और सेलेक्ट, तो सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो अपने सामने ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अपने सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो अपने स्टॉक में कितने नंबर, क्या आइटम था, देखो सीवी नंबर आ गया इधर, एलटी क्लॉथ एलटीसी 02, सीवी डेट आ जाएगी जिस डेट में बना रहे हैं, वेयर हाउस मेन वेयर हाउस आ गया, आइटम डिस्क्रिप्शन या आइटम का नाम आ गया, आइटम कोड आ गया CLT 00031, फिर है UOM नंबर, स्टॉक में क्वांटिटी कितनी है, फिर रिपेयर क्वांटिटी, परचेज वैल्यू, मार्केट वैल्यू, लाइफ रिमार्क, स्टॉक क्वांटिटी, कंडमनेशन क्वांटिटी, सर्विसेबल क्वांटिटी, परचेज डेट। ये देखो अब हमें कितने क्वांटिटी में इसको कंडम किया है, दो किया है, चार किया है, वो यहाँ हम क्वांटिटी इसको डाल दें। जैसे इसमें किया हमने प्रोडक्ट क्वांटिटी अपने पास, ये हमने डाल दिया 10 क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी कंडम किया 10, तो हमने 10 क्वांटिटी किया, किस डेट में किया, यहाँ डेट आ जाएगी। देखो ये जैसे हमने वहाँ क्वांटिटी डाला, क्वांटिटी डालते इधर -10 आ गया, 10 माइनस, सर्विसेबल क्वांटिटी कंडमनेशन, जैसे 10 डाल दिया तो इधर आ गया माइनस, और यहाँ डेट डाल दिया। ये जैसे डेट डालोगे, डेट डालने के बाद ये डिटेल पूरा फिलअप करने के बाद सबमिट करोगे, सबमिट करते ही अप्रूव हो जाएगा और ये आइटम कंडम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पीओ की डिटेल जो पहले बताया था थोड़ी देर पहले, वहाँ पीओ की डिटेल के बाद ये ऑप्शन आएगा, जब पीओ की डिटेल नहीं भरोगे तो ये ऑप्शन नहीं आता है। जब पीओ की डिटेल भर दोगे तो एक साइड में यहाँ राइट साइड में न्यू का ऑप्शन आता है, तो न्यू का ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे तब ये सभी आइटम ओपन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे पीओ का नहीं भरोगे डिटेल, ये देखो ये न्यू का ऑप्शन,
जब पीओ की डिटेल भरोगे तब ये ऑप्शन ओपन होता है। तो यही था, अगर कोई आइटम मेरे पास है नहीं नहीं तो मैं लाइव करके दिखाता आपको कि कैसे कैसे कंडम करना चाहिए। तो अभी मेरे पास कोई आइटम है नहीं कंडम करने वाला, तो मैं आपको ये लाइव दिखा सकता। अगर होगा तो मैं, अगर चाहिए आपको कि नहीं लाइव करके दिखाओ तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तब मैं आपको ये कंडम करके दिखाऊंगा कि कैसे कंडम किया गया है। ओके गाइज, यही एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत कम जवानों को होती है कि वो क्राइम ब्रांच में काम तो करने लग जाते हैं लेकिन जानकारी इसके बारे में होती नहीं है, तो ये ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। लेकिन वीडियो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके गाइस, बाय।